राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा सीईटी एग्जाम को लेकर, जो सीईटी आप लोगों के लिए टायर टू का एग्जाम है भाई, उसकी जो तिथि थी भाई, उसका एग्जाम कैलेंडर था वो जारी कर दिया गया है भाई। आप लोगों की परीक्षा का शेड्यूल आप सभी को पता है, आज न्यूज पेपर के अंदर भी आई हुई है कि भाई आप लोगों की परीक्षा तिथि वो 13 मई से लेकर भाई 15 जुलाई तक रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई आप लोगों की जो सीईटी टायर टू परीक्षा होगी भाई, वो किन जिलों के अंदर आप लोगों के लिए सेंटर हैं वहां पर खोजे जा रहे हैं भाई, यानी कि एनटीए के द्वारा भाई, एनटीए के द्वारा आप लोगों की जो परीक्षा है भाई वो किन जिलों के अंदर ली जाएगी, क्या पूरे हरियाणा के अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा या किन किन जिलों के अंदर आप लोगों का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इन चीजों के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा भाई, कब से लेकर कब तक आप लोगों के जो फार्म है भाई, यानी कि सीईटी, जिन बच्चों का क्वालिफाई होया, लगभग 3.57 लाख बच्चों का जो सीईटी क्वालिफाई है, अब उन बच्चों के जो फार्म है भाई वो कब से कब तक भरवाए जाएंगे और क्या तिथि रहेगी आप लोगों के लिए फार्म भरने की, कितना टाइम है जो आप लोगों को दिया जाएगा, और आप लोगों की परीक्षा तिथि जो चेंज होगी या नहीं होगी, या किन परीक्षाओं की एग्जाम तिथि है वो चेंज होने की संभावना है, और किन पदों के ऊपर कितनी वैकेंसी निकालने की संभावना है भाई, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर दोस्तों पूरी डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भाई टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस चीज़ को जरूर ज्वाइन करना फॉरम नोटिस के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन करना। अब बात कर लेते हैं भाई आप लोगों के लिए पोर्टल की सबसे पहले कब खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, पोर्टल तैयार हो चुका है भाई, यानी कि आप लोगों का जो पोर्टल है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है 15 दिनों के लिए इसी सप्ताह, यानी कि आप लोगों को 15 दिन का जो टाइम है वो टाइम दिया जाएगा, इसी सप्ताह खुलने की संभावना है भाई पोर्टल की। मान के चलो भाई 10 अप्रैल से आप लोगों के लिए पोर्टल खोल दिया जाता है, तो अगले 15 दिनों तक आप लोगों को फार्म भरने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि भाई लगभग 25 अप्रैल तक आप लोगों को फार्म भरने का जो टाइम है वो दिया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों की जो परीक्षा भाई वो 13 मई से लेकर 15 जुलाई तक आप लोगों की परीक्षाएं चलेंगी भाई। इसके बीच में आप लोगों की परीक्षा तिथि जो बदलने की संभावना है भाई, यहां पर जो HCS का आप लोगों का एग्जाम है, इसके अलावा भाई जो आप लोगों का जो HPSC के द्वारा भाई वैकेंसियाँ निकाली गई थी टीचर पद के लिए भाई, उनका भी जो शेड्यूल है वो भी इस परीक्षा के बीच में ही है, तो इन दोनों परीक्षाओं के चलते भाई यहाँ पर आप लोगों की हो सकती है 2 से 3 परीक्षाओं का जो टाइम है उस टाइम को बदलकर भाई 15 जुलाई के बाद या किसी और दिन 15 जुलाई से पहले आप लोगों के लिए परीक्षा है जो वो आयोजित करवाई जा सकती है दोस्तों। इसके अलावा भाई आप लोगों के जो सेंटर है वो कहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं HCS के द्वारा या NTA के द्वारा, ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। आप मई में करनाल कुरुक्षेत्र में ग्रुप सी की परीक्षा की तैयारी, यानी कि भाई आप लोगों के लिए मई महीने के अंदर जो परीक्षा होगी भाई, करनाल और कुरुक्षेत्र ऐसे 2 जिले हैं भाई जहां पर आप लोगों के लिए परीक्षा है जो वो आयोजित करवाई जाएगी। अगर इन 2 जिलों में अगर शेड्यूल में बच्चे पूरे नहीं आते तो इसके अलावा भाई पंचकूला और इसके अलावा अम्बाला भाई, ये जिले हो सकते हैं या गुरुग्राम। अभी तक भाई इन 2 जिलों के ऊपर ही है करनाल और कुरुक्षेत्र भाई, इन 2 जिलों के अंदर मान के चलो आप लोगों की जो परीक्षा वो आयोजित करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर बच्चे पूरे नहीं पहुँचते, इसके अलावा भाई गुरुग्राम और पंचकूला अम्बाला, ये 3 जिले और हैं भाई जहाँ पर आप लोगों की परीक्षा है जो वो करवाई जा सकती है। मान के चलो कि भाई 5 ही जिलों के अंदर आप लोगों की जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। अब की बार ज़्यादा परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि कम मात्रा के अंदर बच्चों का जो एग्जाम है वो लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर और चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भाई, क्लर्क के अंदर 3902 पद हैं, स्टाफ नर्स के 1554 पद हैं भाई, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर के इतने पद हैं, ग्राम सचिव 3107 पदों के ऊपर भाई, असिस्टेंट लाइनमैन है भाई 5111 पदों के ऊपर, कैनुअल पटवारी हैं जो 1100 पद हैं, पटवारी 1236, जेल वार्डर के 1206, स्टेनोटाइपिस्ट के यानी कि 1647 पद भाई। साल के अंत तक आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया वो पूरी कर दी जाएगी भाई। ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होकर दिसंबर तक पूरी होने की संभावना है भाई। आयोग के अनुसार भर्ती में समय लगेगा क्योंकि करीब 32,000 पदों पर भर्ती होनी, इसी दौरान ग्रुप डी के लिए भी सीईटी किया जाना संभव है, यानी कि पहले आप लोगों के लिए ग्रुप सी का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का जो ग्रुप डी है उसके अंदर आप लोगों का एग्जाम है जो वो लिया जाएगा दोस्तों। यानी कि आप लोगों का जो पोर्टल है वो इसी महीने खोला जाएगा और 15 से 20 दिनों के लिए आप लोगों को फॉर्म भरने का जो टाइम है वो दिया जाएगा दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल या फॉरम नोटिस वेबसाइट को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला। थैंक यू।